इस बार मैंने सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से समय लिया है और जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं और रोपवे और टनल के कुछ काम प्रस्तावित हैं, बहुत सारे सेंट्रल जो रिजर्व रोड्स का काम है उसके संबंध में उनसे अनुरोध करना है कि जल्दी उनको स्वीकृति मिल जाए। तो पूरा प्रस्ताव पहले से हमने दिया हुआ है, कुछ प्रस्ताव नए दे रहे हैं तो उसी संबंध में भेंट करनी है। और बाकी हमारी जो नियमित रूप से होने वाली बैठकें हैं संगठन की और सांसद गणों के साथ, उन बैठकों में भी प्रतिभाग करेंगे। सर, कैबिनेट विस्तार की बहुत तेजी से चर्चा है उत्तराखंड के और लाभ के पदों को लेकर, क्या केंद्रीय आला कमान से इसको लेकर भी आप चर्चा करेंगे? इस बार की बैठक केवल जो विकास के मुख्य बिंदु हैं उन्हीं से संबंधित है। सर, उत्तराखंड में लगातार बाढ़ और बारिश का कहर देखा जा रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर केंद्रीय नेताओं से कोई मुलाकात? पहले से चूंकि बाढ़ की स्थिति भी है और आपदा की स्थिति भी है, इन सब के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को पहले ही मैंने अवगत करवा दिया है और हम लोग जो है यथासंभव राज्य की सरकार जो इस विषम परिस्थिति है, इस विषम परिस्थिति से पूरी तरह से जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको सभी प्रकार से जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए बिजली की लाइनें हैं, बिजली की लाइन है, पेयजल है, PMGSY की सड़कें हैं, नेशनल हाईवे है, मरीजों का उपचार है, चार धाम यात्रा पर आने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए क्योंकि जो ज़रूरी इंतजाम है उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। और पिछले दिनों हरिद्वार में भी बहुत बड़ा जल भराव हो गया जिससे काफ़ी लंबा क्षेत्र उसमें प्रभावित हुआ है, 21,000 हेक्टेयर के लगभग जो है गन्ने की फसल पूरी तरह से प्रभावित हुई है। उस क्षेत्र को हमने आकलन करने के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का भी निर्णय लिया है। बिजली के बिल 3 महीनों तक स्थगित किए हैं। बैंकों के जो ऋण हैं उन ऋणों पर भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उन बैंकों से हम अनुरोध करेंगे और राज्य के जो सहकारी बैंक हैं उन बैंकों को 3 महीने के लिए ऋण स्थगित करने को, ऋण की जो वसूली है उसको स्थगित करने के लिए कहा है। सर, करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, आपको लगता है कि अपराध मुक्त जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ से भी अपराध मुक्त किया जाए स्टेट को? अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ये हमारा संकल्प है और उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर अनेकों कार्रवाइयाँ हुई हैं और नकल में भी जो परीक्षाएं सरकारी जो परीक्षाएं होती थी सरकारी नौकरियों के लिए उनमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, उसको लेकर 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हमने करी हैं और नकल का सबसे सख्त अध्यादेश भी लाए हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं विजिलेंस के माध्यम से, अन्य सूचना के माध्यमों से, उन पर हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। सर, UCC के ड्राफ्ट कब आपको मिल गया? अगर मिल गया तो कब तक हमें कानून के रूप में देखने को मिलेगा? जल्दी ही मिलेगा, आप उसका इंतजार करिए, कुछ समय बाद मिल जाएगा। ड्राफ्ट मिल गया है सर कमेटी के माध्यम से? अभी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियाँ चर्चा करेंगे क्या? अभी विकास से संबंधित है और लोकसभा चुनाव और हमारा जो महाजनसंपर्क अभियान चला है वो पार्टी पर जो हमारी नियमित रूप से बैठकें होती संगठन की उसमें लगातार चर्चा। कैबिनेट विस्तार कब तक? अभी मैंने बताया ना कि इस बार की ये चर्चा जो है केवल मैं विकास के लिए आया। धन्यवाद।